हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 36 सेट और रिवीजन के हिसाब से बताऊं तो थर्ड रिवीजन का थर्ड R3. तो फर्स्ट रिवीजन की क्लास थी हमारी कौन सी डेट को थी, हमारी फर्स्ट रिवीजन की क्लास थी फ्राइडे को, है ना. हाँ, फ्राइडे को क्या रिवाइज किया हमने, गवर्नमेंट स्कीम्स. सेकंड रिवीजन की क्लास थी कल, मतलब संडे को, हमने किया फाइनेंस एंड इकोनॉमी. आज रिवीजन की थर्ड क्लास है, ये चलने देते हैं स्टूडेंट्स, ये नंबरिंग जो है शुरू से चल रही है, इसको हम हटाएंगे नहीं. आज रिवीजन की थर्ड क्लास है, आज हम करेंगे जो आप लोगों ने भी बोला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो साइंस और टेक्नोलॉजी की रिवीजन स्टूडेंट्स हम लोग आज करेंगे. अगर आप लोगों को क्लास की ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से प्लीज़ लाइव चैट में मेंशन कर दो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऑडियो वीडियो में. ठीक है, बस एक बार आप लोग मेंशन कर दो तो मुझे पता चल जाए. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग अपना रिवीजन का थर्ड पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो पिछले इतनी सारी क्लासेस में, इतने सारे सेट्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसमें से कुछ क्वेश्चन साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे, मैंने सबको इकट्ठा किया और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चंस का नंबर ऑलमोस्ट 25 के आसपास रहेगा, इतना ही हम कर पाएंगे एक घंटे क्लास में. ठीक है शुरू करते हैं. बिल्कुल, स्पोर्ट्स भी आएगा, अवार्ड्स भी आएगा, बुक्स भी आएगा, आर्ट एंड कल्चर सारे स्टूडेंट्स. कैटेगरीज अभी बहुत बनानी है, कैटेगरीज का नंबर अभी बहुत सारा होगा, आप देखते रहना कि कम से कम हम मान के चलो 12-15 इसके बीच में हमारा कहीं नंबर रहेगा जो फाइनल कैटेगरीज के हम रिवीजन करेंगे. आज होगी हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. मेरा नाम है अभिनव जोशी. ये वो स्ट्रक्चरिंग थी, जिस स्ट्रक्चरिंग के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस रखे. अब हमने इतने काफी क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब हम उनके रिवीजन पे आ चुके हैं. एक सेकंड, मैं ना इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको. ठीक है, तो ये वो स्ट्रक्चर था जो हमने फॉलो किया. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS, बहुत सारे एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमने डिलीवर किया, स्पेसिफिकली EPFO के एग्जाम में पिछले साल में बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर किया. इस साल और बेटर करना चाहते हैं, आपका हार्डवर्क लगेगा, हमारा हार्डवर्क लगेगा, आपका जो हार्डवर्क चल रहा है, आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है, इसमें स्टूडेंट्स हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इस माइक्रोवर्स से. जैसे अब आप एक ऐसे फेज पे आ गए हो कि रिवीजन करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, को थोड़ा बहुत रह गया उसको वापस से रिवाइज करना है, वहाँ ये माइक्रोवर्स बहुत मदद करेगा. क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक कोर्स नहीं है, ये बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज को एक जगह इकट्ठा किया गया है. आपको जो कोर्स अपने काम का लगता है, जहां से काम का लगता है, आप उसी को पढ़ो, बाकी सब चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इसके बारे में सारी डिटेल्स क्लास के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ना स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन, हमने ये वैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में पढ़ा था, ये एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बेस्ड है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है. रिसेंटली उड़ीसा में जो हुआ ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट, असल में देखा जाए तो एक ट्रेन तो वहाँ स्टेबल खड़ी थी, दूसरी ट्रेन ने आके पीछे से हिट किया. जब ये हिट किया दूसरी ट्रेन ने, और उस टाइम पे ये जो कोरमंडल एक्सप्रेस थी, जब इसने हिट किया एक मालगाड़ी को, ये पूरी ट्रेन पे इतना ज़्यादा शॉक आया कि जो इसके डिब्बे थे वो इधर उधर गिरने लगे, जो बाकी के ट्रैक्स थे वहाँ पहुँचने लगे, और एक और ट्रेन जाती जाती बड़ा तो नहीं पर माइनर हिट इसमें भी, और उसमें भी हमको कैजुअलिटीज़ देखने को मिली. तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक्सीडेंट हो कैसे गया, कवच कहाँ था, कवच क्यों नहीं काम कर रहा था. तो बाद में ये बताया गया कि अभी तो कवच बहुत लिमिटेड ट्रैक्स पे काम कर रहा है, अभी तो कवच सिस्टम जो है मैक्सिमम रेलवे ट्रैक पे तो ये काम ही नहीं कर रहा है. पर ये जो टॉपिक है ये साइंस और टेक्नोलॉजी का, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे मत सोचना कि ये इंसिडेंट हुआ तो मैंने सोचा चलो कवच पे क्वेश्चन है, नहीं, हमने किया हुआ क्वेश्चन. ठीक है, तो क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिलेटेड टू कवच. ठीक है, आप देख सकते हो अश्विनी वैष्णव जी, जब से एक्सीडेंट हुआ है वो उड़ीसा के बालासोर में ही है,
अपडेट दे रहे हैं हर चीज़ पे। तो ये जो जब कवच की टेस्टिंग चल रही थी तब अश्विनी वैष्णव जी की एक फ़ोटो है, ठीक है, वो एक ट्रेन के इंजन के अंदर है। तो दो स्टेटमेंट्स हैं आपको इनमें से करेक्ट स्टेट, मैंने आपको बोला ना इसके बाद आपने ये पढ़ना है, पूछ क्या रहा है करेक्ट इनकरेक्ट, फिर अपनी स्टेटमेंट्स। तो ये बोल रहे करेक्ट बताना, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि कवच क्या है, ये हमारा खुद का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको हम 2012 से, सोचो 2012 से डिप्लॉय कर रहे हैं, पर कितना कॉस्टली पड़ता होगा, कितना मुश्किल होगा मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना, कि अभी भी बहुत कम ट्रैक्स पे कवच आपको देखने को मिलेगा। कोशिश ये की जा रही है जहाँ ट्रेन ज़्यादा स्पीड में चलती है पहले वो ट्रैक्स को कवर करें, फिर जाके हम बाकी धीरे धीरे ट्रैक्स को कवर करेंगे। तो क्योंकि इसमें क्या है, कवच का कुछ सिस्टम लगता है ट्रेन के इंजन्स के अंदर, मतलब पूरी इंजन से लेके पूरी ट्रेन में, ताकि पता चले साइज़ कितना है। कुछ कवच का सिस्टम लगता है ट्रैक्स के ऊपर, और वो भी ऐसे नहीं कि बस एक बार एक ट्रैक में लगा दिया, कुछ कुछ किलोमीटर्स के बाद कुछ कवच का सिस्टम लगेगा सारे स्टेशन्स पे, सारे जो रेलवे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर रोड मिलती है, हर जगह लगाना है। तो इतना ईजी नहीं है, मुश्किल तो सच में है, पर ये एक ऐसी चीज़ है जिसको स्टूडेंट्स हमको कर देना चाहिए था। कहीं ना कहीं अगर कवच सिस्टम इस पूरे रूट पर होता तो पहला जो क्रैश हुआ है ना, जो पहला जिसमें एक कोरमंडल एक्सप्रेस ने गुड्स ट्रेन को हिट किया, वो क्रैश नहीं होता, बिल्कुल सही बात, नहीं सॉरी वो क्रैश हो जाता, कवच उसको नहीं रोक पाता कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को पीछे से हिट किया, क्योंकि जो मालगाड़ी थी वो तो एक लूप की तरफ खड़ी थी, मतलब जो स्टेशन के पास वाली पटरी होती है, और कोरमंडल एक्सप्रेस को निकलता था मेन रूट से, पर बिल्कुल लास्ट मोमेंट है कोरमंडल एक्सप्रेस मेन से लूप पे चली गई और दोनों हिट कर गई, वहाँ कवच कुछ ना कर पाता। पर जो थर्ड ट्रेन आई, ठीक है, उसमें अगर कवच लगा होता तो वो इस चीज़ को देखकर पहले ही रुक जाती, वहाँ पर हम कैजुअलिटीज़ बचा सकते थे। तो आई होप आप समझ पाए कि अगर कोई बोल रहा है कि कवच किसी काम का नहीं है, या फिर कोई बोल रहा है कवच होता तो सब कुछ बच जाता, ऐसा नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2012 से हम इस पर काम कर रहे हैं, अभी भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं कर पाए। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि कवच सिस्टम जो है इसको यूनियन बजट 2022 में अनाउंस किया गया था कि ये आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है, और काफ़ी सारे फंड्स भी एलोकेट किए गए थे कि अब इसको अच्छे से जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हम बहुत लेट है कवच को इम्प्लीमेंट करने में, पर अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा। अब इस एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल हो सकता है इस एक्सीडेंट के बाद ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी की जाएँ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप, सॉरी यार, वो मैंने असीम देखा कि वो पीडीएस अभी तक अपलोड नहीं हुई है, मुझे लगा मैंने शायद कर दिया, आई एम वेरी सॉरी। आज आपको 34, 35 और ये 36 तीनों मिल जाएंगी पीडीएफ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो स्टेटमेंट्स क्या है कवच से जुड़ी हुई। स्टेटमेंट्स है कि ये इंडिया का खुद का एक कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है, 2012 से हम इसको इम्प्लीमेंट करें, 2022 के बजट में इसको एक आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर डाल दिया गया। इसका सही आंसर आप लोगों ने ऑलमोस्ट सब ने बिल्कुल सही किया, ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर इसके बारे में और थोड़ा पढ़ना है तो इंडिया का खुद का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम, और स्टूडेंट्स आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं पर पिछले 20-30 साल में बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स नहीं हुए, क्योंकि दुनिया ने काम किया कोलिजन सिस्टम पे, सेफ्टी सिस्टम पे, हम भी कर रहे हैं, पर हम एक इतनी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है, ऊपर से रेलवे तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कि थोड़ा सा हम इसमें लेट हो गए, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक भी होना चाहिए और बहुत बड़ी हमारी गलती भी होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सबको अपनी गलती माननी चाहिए, कोई किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि नहीं हमारी नहीं इनकी गलती थी, या गवर्नमेंट्स को ये नहीं करना चाहिए कि पिछले ने ऐसे किया, वो सब चीज़ें उससे स्टूडेंट्स बहुत आगे आकर ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि गलती है और इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कवच सिस्टम वॉज अनाउंस, ये तो हमने दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही, अगर आप कवच के बारे में और पढ़ना चाहो तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इंडियन रेलवे ने खुद बनाया। ठीक है, इंडियन रेलवे के अंदर ऑर्गेनाइजेशन होती है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO, इसने इसको बनाकर रेडी किया। ठीक है, और तो मुझे लगता कि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमको जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन, अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन हमने किया है, क्वेश्चन है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सॉरी ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब AR वर्चुअल रियलिटी, आप लोगों में से अगर किसी ने IPL अच्छे से देखा तो आपने देखा होगा वो जियो की ऐप में एक ऑप्शन होता था VR का, तो होता है कि एक बॉक्स टाइप आता है उसमें आप अपना फ़ोन रखो और आपको 3D में सब कुछ दिखेगा, आप फील करोगे आप ग्राउंड में हो, आगे पीछे सब दिखेगा। तो ये ना स्टूडेंट्स AR और VR बहुत पहले तो हम बोलते थे कि ये साइंस की चीज़ है, अब ये रियलिटी बनती जा रही है, हमारे आसपास आ चुकी। सोचो IPL आप VR में देख सकते थे, उसके ऊपर बेस्ड 4 स्टेटमेंट्स आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल है तो बिल्कुल मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप सही से बताओ, पर आप समझ लेना क्वेश्चन को। AR एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है फिजिकल वर्ल्ड में, नहीं एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और फिजिकल वर्ल्ड को बंद कर देता है, मतलब सिंपली बताओ आप किसी और दुनिया में चले जाते हो, ये वाली दुनिया आपके लिए बंद हो जाती है, ये कह रहे हैं AR की डेफिनेशन है। VR इमेजेस जनरेट की जाती है कंप्यूटर से और उनको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पे, मतलब कुछ कंप्यूटर किसी रियल लाइफ इस लेक्चर स्टैंड पे इस टेबल पे एक चीज को VR बना देगा, ठीक है। AR अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि वो इस दुनिया में प्रेजेंट रहे और इंप्रूव कर सके एक्सपीरियंस अपने कैमरा से, मतलब आप यहीं पर ही हो पर आप इस कमरे को इस दुनिया को जब अपने फोन के कैमरा से देखोगे तो आपको और चीजें अलग से दिखेंगी। आपको मे बी दिमाग में आ रहा होगा पोकेमॉन गो, बिल्कुल पोकेमॉन गो इसका एग्जांपल सही है। VR closes the world and transposes an individual providing a complete immersion, मतलब ये कह रहे हैं कि VR आपके लिए नॉर्मल दुनिया बंद कर देता है और आप एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, जैसे आप IPL देख रहे हो वो VR बॉक्स में। सुन पहली दो स्टेटमेंट गलत है, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। बिल्कुल ये पता है क्यों गलत है, ये AR नहीं करता कि एक सिमुलेटेड एनवायरमेंट क्रिएट करता है, ये VR करता है। और ये क्यों गलत है कि इमेजेस जनरेट की जाती है, ये VR नहीं करता ये AR करता है। तो सिंपल एग्जांपल ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे पोकेमॉन गो, वैसे तो नॉर्मली रूम दिख रहा है पर जब मैं अपने फोन के कैमरा से देखूंगा तो वहां मुझे एक पोकेमॉन दिखेगा, तो ये हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का इस रूम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं एक VR बॉक्स डालूंगा अपना फोन उसमें डालूंगा और मैं अलग चीज कहीं और की चीज देख पाऊंगा, वो होता है VR। आई होप आप समझ पाए क्या सही है क्या गलत है। तो AR आपको अलाउ करता है कि आप इसी दुनिया में रहकर इसी का एक्सपीरियंस इंप्रूव करो, VR आपको कहते हैं कि इस दुनिया को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं हमको कहीं और लेके चलते हैं। ये बेसिक सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो AR का एग्जांपल है पोकेमॉन गो, VR का एग्जांपल है जो रिसेंटली जियो ऐप पे IPL का एक्सपीरियंस दिया गया कि आप वो VR बॉक्स पे अपना फोन डालो, VR वाले ऑप्शन को ऑन करो और आपको आसपास सब दिखने लग जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन को समझ पाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप आंसर बताओ, पर अगर आप AR VR समझ गए तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का जो जो हम इस क्वेश्चन से चाहते थे रिजल्ट हमको मिल गया। कोई डाउट AR या VR में प्लीज बताओ। अगर किसी को स्टूडेंट्स अभी भी कोई डाउट है AR या VR में प्लीज बताओ, मैं कोशिश करूं आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है और वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब पोकेमॉन गो, कि इसी दुनिया में आपको कुछ अलग से चीज़ दिखने लग जाएगी अपने फ़ोन के कैमरा से, आप यूज़ करोगे स्क्रीन पे आपको अलग से कुछ देखेगा। और वर्चुअल रियलिटी क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन था। और सिर्फ किसी को भी कोई डाउट AI या VR में प्लीज पूछ लो। ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही मॉडर्न चीज पर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्लेक्स फ्यूल इंजन। अगर मैं आपसे पूछूं आजकल हमारी कंट्री में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल मिलता है, डीजल की मैं बात नहीं कर रहा, पेट्रोल मिलता है उसमें थोड़ी सी एडिशन की जाती है, मिलावट की जाती है, किस चीज़ की, क्या हम उसमें एथेनॉल मिलाते हैं या मेथेनॉल, कोशिश करो बताने की क्या चीज़ ऐड की जाती है हमारी कंट्री में, अब तो इसको 15-20% तक लेके जाना चाहते हैं, पेट्रोल में किस चीज़ की एडिशन होती है, एथेनॉल या मेथेनॉल। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल एथेनॉल, तो अगर लिखा हुआ है पेट्रोल E10 है मतलब उसमें 10% एथेनॉल की मिलावट है, अगर लिखा हुआ है पेट्रोल E20 उसमें 20% इथेनॉल की मिलावट है, मेथेनॉल नहीं ऐड किया जाता, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल बनता कैसे, बहुत सारे तरीके पर, सबसे सिंपल तरीका आप क्या करो, जो शुगर केन के फार्मर्स हैं उनसे गन्ना लो, शुगर केन लो, जो चीनी की फैक्ट्री है थोड़े से शुगर केन का शुगर बना देगी बाकी का एथेनॉल बना देगी, ठीक है। हेलो राजविंदर, गुड आफ्टरनून, वेलकम। तो अब जो एथेनॉल है आपके पास,
आप क्या करो, उस एथेनॉल की थोड़ी क्वांटिटी पेट्रोल में मिक्स कर दो। उसका फ़ायदा क्या है, एक तो एथेनॉल बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता, जैसे क्रूड ऑयल बाहर से आता है, पेट्रोल बाहर से आता है, एथेनॉल नहीं मंगवाना पड़ता, वही आपके यहाँ से बन जाता है। दूसरा, एथेनॉल एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन है। और तीसरा, जो शुगर केन के किसान है उसको अच्छा रेट मिलेगा, वो भी फ़ायदा है। अब एथेनॉल ना 20% तक तो आपकी नॉर्मल गाड़ियाँ उसको संभाल लेंगी अगर वो पेट्रोल में मिला है, पर अगर हम 30-40-50-60% एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल में गाड़ी चलाना चाहते हैं, उसके लिए अलग तरह से इंजन आएंगे, वही इंजन होंगे फ्लेक्स फ्यूल इंजन। तो आपको समझ में आना चाहिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन मॉडर्न टाइप ऑफ इंजन है। इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली कार्स आनी शुरू भी हो गई हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फ्लेक्स फ्यूल इंजन अलाउ करते हैं कि इस गाड़ी में अगर आपने नॉर्मल इंजन निकाल के फ्लेक्स फ्यूल इंजन डाल दिया, तो ये बोल रहा है फ्लेक्स फ्यूल इंजन अलाउ करेगा कि ये गाड़ी 100% एथेनॉल से भी चल सकती है, चाहे 100% पेट्रोल से चल सकती है, चाहे बीच की कोई भी, चाहे आप 20% एथेनॉल डाल दो, 30% डाल दो, 50 डाल दो, कुछ भी परसेंटेज डाल दो, या पेट्रोल या एथेनॉल या मिक्सचर, फ्लेक्स फ्यूल इंजन इस गाड़ी को चला देगा। ये तो पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है कि जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन है ना, जब पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था तब असल में इनको सबसे पहले इनका कंसेप्ट दुनिया में दिखाया गया था। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन बस 7-8 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो दो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए, आपको इनमें से करेक्ट बताना है। एक ऑप्शन कह रहा है कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन एक ऐसा इंजन है जो आपकी गाड़ी को पेट्रोल पे भी चला देगा, चाहे सारा एथेनॉल पे चला देगा, चाहे मिक्सचर पे चला देगा। और दूसरी स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है कि आज से ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले, मतलब जब पेरिस क्लाइमेट समिट था, तभी एथेनॉल की, मतलब तभी ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो है इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन में से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है सिर्फ फर्स्ट, ये सही है, ये गलत है। ये तो बिल्कुल सही है, अगर फ्लेक्स फ्यूल इंजन डल गया ना, चाहे आप अपनी गाड़ी में प्योर पेट्रोल डालो, चाहे प्योर एथेनॉल डालो, चाहे बीच का कोई मिक्सचर डालो, चल जाएगी आपकी गाड़ी। ये गलत है। पेरिस क्लाइमेट समिट तो अभी कुछ ही साल पहले हुआ है, पर ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन की टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, 1990 से ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन की टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। आप ना सर्च करना कि इंडिया में कौन कौन सी गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ आ चुकी, तो आपको पता चलेगा मारुति सुजुकी लॉन्च कर चुका है, मतलब अब आप चाहो तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ी खरीद सकते हो। वो गाड़ी का फायदा क्या है, जितना परसेंट एथेनॉल डालना डाल दो गाड़ी चल जाएगी, चाहे प्योर एथेनॉल डाल दो, पेट्रोल ना डालो फिर भी चल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, एथेनॉल जो है पेट्रोल के मुकाबले चीप भी है, ये भी बिल्कुल सही बात आई सक्षम ने, तो थोड़ा सा चीप भी है तो आपको जो ओवरऑल फ्यूल है वो भी सस्ता मिलेगा, ठीक है। अभी सरकार ने सस्ता किया नहीं है, पर आगे जाके जब हम ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे तो गवर्नमेंट उसको थोड़ा सस्ता जरूर कर देगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। तो आप देख सकते हो मारुति सुजुकी ने रिसेंटली अपना एक प्रोटोटाइप दिखाया फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली वैगनर। तो ये तो थोड़ी आज से ऑलमोस्ट 5-6 महीने पुरानी न्यूज है, तो बहुत जल्दी इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, और सब ब्रांड्स करेंगे, सारे ब्रांड्स को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में लगा। देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हम कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी, और साइंस और टेक्नोलॉजी बाकी चीज़ें हम डेली में पढ़ते रहते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जिसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आपको डाउट रह जाए, आपको समझ में ना लगे, तो प्लीज़ बार बार पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कोई भी आपको डाउट। इसलिए मैं आपको आज की क्लास बहुत स्लो लेके जा रहा हूँ कि कोई भी डाउट है, कुछ भी आपसे पूछना है, आप बिल्कुल पूछना। एथेनॉल क्या होता है, ब्लेंडिंग क्या होती है, ब्लेंडिंग होती है मिलावट, एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब पेट्रोल में उसकी मिलावट कर देना, कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसेंटली जुपिटर, जिसके पास बहुत सारे मून्स हैं, जुपिटर के मून्स की तरफ, ठीक है, जुपिटर के मून्स की तरफ एक मिशन भेजा गया जिसका नाम है जूस। मिशन का यह काम है कि देखना कि क्या कभी जुपिटर के आसपास जो बहुत सारे मून्स हैं उन पे लाइफ रही होगी। आपसे पूछ रहे हैं ये किसका मिशन है, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस, या चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA? अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कि जूस मिशन रिसेंटली इनमें से किस स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था टुवर्ड्स जुपिटर्स मून। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसमें हमने इसको क्वेश्चन को किए को मुझे लगता है शायद 20-25 दिन पहले किया होगा, और मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों से गलती हो रही है कि वो नासा लिख रहे हैं, इसका सही आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखो स्टूडेंट्स, एक तो आपकी रिवीजन मैं करा रहा हूँ इस सब्जेक्ट की, एक रिवीजन आपने करनी है हर चीज़ की, बहुत जोर देना अपनी रिवीजन पे, नहीं तो चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, कहीं ना कहीं उसको समझा होगा पर एग्ज़ाम में नहीं हो पाएंगी।
अभी भी आपके पास टाइम है अच्छा खासा, रिविजन पर पूरा जोर रखोगे तो स्टूडेंट्स चीज़ें बहुत अच्छे से, अगर ऐसे सोचते रहोगे कि और पढ़ना है और पढ़ना है, तो जितना पढ़ा होगा ना स्टूडेंट्स वो भी रह जाएगा। प्लीज़ रिविजन पर जितना ध्यान दे सकते हो दो, ठीक है। आगे चलते हैं, हवसंग 18, ये हवसंग 18 है, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आपको ये भी बता देता हूं, मिसाइल्स दो तरह की होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ऊंचा जाती है, बहुत दूर जाती है, तो उसकी ऐसी पोजीशन, ऐसे मतलब जैसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। क्रूज मिसाइल बहुत थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ज्यादा रेंज नहीं होती और नीचे आ जाती है बस, ठीक है। क्रूज की रेंज बहुत कम होती है, बैलिस्टिक की रेंज तो 5,000, 7,000, 10-15,000 किलोमीटर की भी रेंज होती है। क्रूज की रेंज होती है 400, 500, 600 ऐसे किलोमीटर्स, ठीक है। इसकी रेंज तो हजारों किलोमीटर में होती है, क्रूज की रेंज कम होती है। बैलिस्टिक का एग्जांपल है अग्नि 5, क्रूज का एग्जांपल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की रेंज कितनी होती है? 300-350 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि याद कैसे रखेंगे कि कौन सी बैलिस्टिक है कौन सी क्रूज है, तो बड़ा सिंपल है, एक टर्म याद रखना, ICBM। दुनिया में जो सबसे बड़ी मिसाइल्स होती है उनको ICBM बोलते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जिसके नाम में इंटरकॉन्टिनेंटल आ जाता है, जो कॉन्टिनेंट्स पार कर जाए वो बैलिस्टिक है। बस यहां से आपको हिंट मिल जाएगा, अगर ICBM याद रख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कॉन्टिनेंट्स पार कर जाती है, इंटरकॉन्टिनेंटल होती है, और कौन सी कम ही रेंज तक जाती है, ठीक है। अग्नि 5 इसका एग्जांपल है, ब्रह्मोस इसका एग्जांपल है। अब एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो मतलब बहुत दूर तक जा सकती है और अपने साथ न्यूक्लियर वेपन, देखो न्यूक्लियर वेपन होता है ना जो, वो यहां रखा जाता है। अब बिना न्यूक्लियर वेपन के मिसाइल छोड़ दो, चाहे न्यूक्लियर वेपन के साथ छोड़ दो, कोई चाहे उसमें अलग से डायनामाइट डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बिना कुछ भी डाले भी मिसाइल को लॉन्च कर सकते हो, ये खाली चला जाएगा। जैसे इंडिया से जो गलती से ब्रह्मोस फायर हो गई थी ना पाकिस्तान की तरफ, उसमें कुछ भी नहीं था, वो खाली थी, बस वो जो डैमेज हुआ वो मिसाइल का ही जो स्ट्रक्चर था उसी के लगने की वजह से डैमेज हुआ, उसमें कोई डायनामाइट वगैरह कुछ नहीं था। न्यूक्लियर वेपन होता तो बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाती, ठीक है। तो ये बोलने की, ये मिसाइल रिसेंटली बड़ी दुनिया में डिस्कस की गई, ये किस कंट्री की मिसाइल है? तो स्टूडेंट्स ये असल में है नॉर्थ कोरिया की, एक ऐसी कंट्री जिसके पास बड़ी मिसाइल्स भी हैं, न्यूक्लियर वेपन भी है, और ये कंट्री दुनिया में किसी के साथ बात नहीं करना चाहती, किसी के साथ मिलकर नहीं रहना चाहती, ये बहुत खतरनाक बात है हमारे लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नॉर्थ कोरिया ने अपनी पहली सॉलिड फ्यूल ICBM, तो ICBM होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, को टेस्ट किया। वंदे मेट्रो क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन, एक बार सारे ऑप्शन पढ़ो आपको आंसर आ जाएगा वंदे मेट्रो क्या, एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लो बस। कोशिश करो स्टूडेंट्स, सॉलिड फ्यूल क्या होता है ना, कुछ मिसाइल सॉलिड फ्यूल को यूज करती हैं, कुछ मिसाइल्स में लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है, तो वो बता रहे सॉलिड फ्यूल मिसाइल ज्यादा दूर जाती है, तो वो इसलिए लिखा हुआ है कि सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल बना ली है नॉर्थ कोरिया ने जो और ज्यादा दूर जा पाएगी, ठीक है। तो मतलब जो फ्यूल है वो सॉलिड स्टेट में, वो धीरे धीरे जलेगा, बहुत टाइम लेगा वो जलने में, तो दूर जा पाएगी मिसाइल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आज से कुछ ही महीने पहले जब बजट अनाउंस किया गया, उसी के अगले दिन इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया, देखो स्टूडेंट्स आज की क्लास साइंस और टेक्नोलॉजी की, और साइंस और टेक्नोलॉजी में रेलवेज बहुत कुछ करा है। अभी एक्सीडेंट, बिल्कुल सच बात है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और ये भी सच बात है कि रेलवेज अपने आप को मॉडर्नाइज करना, नई ट्रेन लाना, उन सब पर भी बहुत ध्यान दे रही है। अब कहीं ना कहीं रेलवेज को नई ट्रेन पर तो ध्यान देना ही है, पर सिक्योरिटी पे, मतलब जो ट्रेन की सिक्योरिटी, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। बिल्कुल सायराम, बिल्कुल सब सारी क्लासेस की PDFs पहले भी अपलोडेड है, अभी जो क्लासेस, आज वाली जो क्लासेस है सारी आपको PDF मिलेंगी। इसके लिए आपको अभी PDF के पोर्टल पर जाना पड़ेगा, क्लास के डिस्क्रिप्शन में सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस इसी क्लास के आधे घंटे के बाद मैं सारी PDFs अपलोड कर दूंगा, आधे घंटे में, टिल 30, आज कौन सा हम करें 36 ना, 36 सेशन तक सारी PDFs, अभी दो तीन ही बची हैं, वो सारी PDFs अपलोड हो जाएंगे। 33rd तक मैंने अपलोड कर दी है, 34, 35, 36 ये भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो वंदे मेट्रो क्या इसमें से सही डेफिनेशन है? अ न्यू टाइप ऑफ मेट्रो ट्रेन डेवलप बाय इंडियन रेलवेज, अ मेट्रो लाइन कनेक्टिंग डिफरेंट सिटीज इन इंडिया, अ हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया, या मेट्रो स्टेशन नेम्ड आफ्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। वंदे मेट्रो, पता है स्टूडेंट्स क्या है, जैसे ही इस साल का बजट आया
और रेलवेज को उसमें अच्छा खासा एक हिस्सा दिया गया था। रेलवेज को जो पैसा दिया गया वो 30 बिलियन डॉलर्स के आसपास का था, काफ़ी अमाउंट होती है एक साल के लिए। तो रेलवेज ने सोचा कि अगर अब उनके पास बजट है तो उसको अलग अलग तरह से यूज़ करते। तो रेलवेज ने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया, वंदे मेट्रो। अब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, जैसे इंडिया में बहुत सारे बड़े शहर हैं मेट्रोस, वहाँ रेलवेज है, फिर कुछ छोटे छोटे शहर हैं उनमें से कुछ में रेलवे सॉरी बड़े शहरों में सब में मेट्रो है, फिर कुछ छोटे शहर जिनको बोलते हैं सेकेंड टीयर सिटीज, थर्ड टीयर सिटीज, उन शहरों में कुछ कुछ जगह मेट्रोज हैं पर मैक्सिमम शहरों में मेट्रोज नहीं है। तो जैसे मान लो एक शहर है कानपुर, अब कानपुर को मेट्रो की ज़रूरत है पर वो बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, पर फिर भी यूपी गवर्नमेंट कानपुर में मेट्रो बना रही है। फिर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे जिस सिटी में मैं रहता हूँ चंडीगढ़, चंडीगढ़ में मेट्रो की ज़रूरत है पर अभी तक चंडीगढ़ में मेट्रो नहीं है। तो ऐसे शहर जहाँ मेट्रो की बहुत ज़रूरत है पर मेट्रो अभी तक नहीं आई, वहाँ रेलवेज, इंडियन रेलवेज मेट्रो को लेकर जाएगा और उसी का नाम होगा वंदे मेट्रो। क्या स्टूडेंट्स किसी को कोई भी डाउट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ न्यू टाइप ऑफ मेट्रो ट्रेन डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज। और जिन शहरों में, मतलब बड़े शहरों में तो देखो मेट्रो बन जाती है पर जब जैसे जैसे शहर का साइज थोड़ा थोड़ा छोटा होता है वहाँ मेट्रो कौन बनाएगा? इंडियन रेलवेज। कोई भी डाउट है प्लीज़ पूछो। ठीक है सुन, तो आपको दिखा देता हूं, आप कह सकते हो कि देखो लोकल ट्रेन से ना हमारे दिमाग में आता है जैसे मुंबई में लोकल चलती, ये वैसी नहीं होगी, ये उससे मॉडर्न होगी। क्योंकि अगर आप शहर के अंदर जिस तरह से मुंबई लोकल है कि सारी ग्राउंड पे शहर, आजकल तो शहरों में आपको जगह ही नहीं मिल पाएगी। मेट्रोज में क्या, कभी आप टावर्स बना के उसको ऊपर ले जाते हो, कभी आप अंडरग्राउंड लेके जाते हो। तो ये भी जो है वंदे मेट्रो भी, इसको भी इसी तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, आजकल जो मॉडर्न मेट्रोज है वैसी दिखेगी। आप कह सकते हो इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, जिसका पुराना नाम था ट्रेन 18, वैसा दिखेगा। और जिस तरह से दिल्ली मुंबई मेट्रोज काम करती है उसी तरह से ये भी काम करेगी। ठीक है, आई होप। तो आप देख सकते हो वंदे मेट्रो टू बी रोल्ड आउट बाय दिसंबर 2023। हो सकता है अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़े क्योंकि अब रेलवे ज़्यादा ध्यान थोड़ा सिक्योरिटी पर देगी, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा आपको एक चीज़ बताना चाहिए, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। ऐसे भी इसको पूछ सकते हैं कि इंडिया में हम बोलते हैं बी कीपिंग, कि जिसने मधुमक्खियों का पालन किया वो बी कीपिंग कर रहे हैं, इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज, साइंटिफिक नेम क्या इसको बुलाते हैं? पिस्की कल्चर, सेरी कल्चर, सिल्वी कल्चर, एपी कल्चर। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसको असल में बुलाते हैं एपीकल्चर। तो बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर, इंडिया में हम ज़्यादा बी कीपिंग ही बोलते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बी कॉलोनीज, तो शहद के लिए जो बी की कॉलोनीज है उनको मेंटेन किया जाता है, इसी को बोलते हैं बी कीपिंग। एक साइंटिस्ट जो स्टडी करता है वाटर को, वाटर की क्वालिटी, वाटर के फ्लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस साइंटिस्ट को क्या बुलाएंगे? जियोग्राफर, हर्पेटोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट। तो और साइंटिस्ट हु स्टडीज वाटर, कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक साइंटिस्ट जो पानी से जुड़ी स्टडी करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट को असल में क्या बुलाया जाता है? तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, इनको बुलाया जाता है हाइड्रोलॉजिस्ट। ठीक है, जैसे हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का डर, तो हाइड्रोलॉजिस्ट। तो स्टडीज हाउ वाटर मूव अक्रॉस एंड थ्रू द अर्थ क्रस्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक हाइड्रोलॉजिस्ट, एक वाटर साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से थोड़ा रेलवे या मेट्रो से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि वो कौन सा शहर है जहाँ मेट्रो ट्रेन पहली बार अंडर रिवर निकालेगी। तो इंडिया की पहली अंडर रिवर मेट्रो ट्रेन इंडिया के किस शहर में, अब तो इसकी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया की पहली अंडर सी टनल कहाँ बनाई जाएगी, अंडर सी टनल पहली, वो भी बता दो। अंडर रिवर मेट्रो तो आपने बता दी, अंडर सी टनल कहाँ बनेगी? अंडर सी टनल बनेगी मुंबई में, बिल्कुल। तो मेट्रो नदी के नीचे से निकलेगी कोलकाता में, टनल समुद्र के नीचे से निकलेगा मुंबई में। ठीक है, तो आप देख सकते हो
कोलकाता मेट्रो ने, और ये आज से ऑलमोस्ट एक मंथ से ज़्यादा पुरानी न्यूज़ है, एक या दो मंथ पुरानी न्यूज़ है, कि उन्होंने एक जो हुगली नदी है, हुगली नदी के नीचे से उन्होंने एक रूट बनाया जहाँ से उन्होंने मेट्रो को पास करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया, उसकी आप फोटो देख सकते हो। नहीं, थोड़ा पुराना नहीं, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट एक या दो मंथ पुराना क्वेश्चन ही है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इंडिया के इनमें से किस शहर में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया? तो स्टूडेंट्स 3D प्रिंटेड का मतलब क्या है कि एक मशीन टाइप होती है, आम टाइप, वो लेयर बाय लेयर इस पूरी चीज़ को रेडी कर देती है। अब ऐसा मत सोचना उसने ग्लास भी बना दिया, बाकी सब चीज़ें नहीं, उसके लिए तो अलग से किसी को काम करना पड़ता है। मेन स्ट्रक्चर जो है वो एक 3D प्रिंटर बना देता है। ये जो आपको व्हाइट में दिख रहा है, आपको ये जो ऑलमोस्ट रेड में दिख रहा है, ये जो है ये एक 3D प्रिंटर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में आपको ये देखने को मिलेगा, फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, और ये कंक्रीट ही यूज़ किया गया। ऐसे मत सोचना कि 3D प्रिंटर तो कुछ प्लास्टिक टाइप यूज़ करते, नहीं, कंक्रीट यूज़ किया गया। वो जो प्रिंटिंग आम है वो कंक्रीट को भी पुश कर सकती है इस तरह से। ठीक है, और ये दुनिया में बहुत जगह किया जा रहा है, हम इसमें कोई बहुत आगे नहीं, बहुत जगह किया जा रहा है। फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी सेटअप की जाएगी, तो इस सेंचुरी में स्टार्स, वेरियस स्टार्स की फॉर्मेशन, अगर गैलेक्सीज वगैरह दिखें, वेरियस प्लैनेट्स, ये सब दिखाए जाते हैं। तो इंडिया की फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर है? सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख? कोशिश करो। तो फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इंडिया की पहली कहां सेट की जाएगी? इसके लिए ना आपको एक चीज बताता हूं, रिक्वायरमेंट होती है ऐसी जगह पे ये बनाई जाती है जहाँ लाइट पोल्यूशन हो, कि बड़ी बड़ी लाइट्स नहीं लगी होनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बड़ी, जैसे शहरों में लाइट्स लगी होती है ना बहुत सारी, वहाँ नहीं ये बन सकती। आपको थोड़ा ऐसी जगह जाना होता है जहाँ आसपास लाइट्स ना हो बहुत ज़्यादा, मतलब मैन मेड लाइट्स ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये असल में बनाई जा रही है, अब तो ऑलमोस्ट रेडी भी हो चुकी है लद्दाख में। तो इंडिया की फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी, इसको सेटअप किया जाएगा हनले लद्दाख में। ठीक है, जितेंद्र सिंह जो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने बताया इसके बारे में। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स आपने सुना होगा तेजस के बारे में, एक लौता फाइटर एयरक्राफ्ट जो हम अपनी कंट्री में खुद बनाते हैं, पर एक प्रॉब्लम है तेजस में, इंजन इसका अभी भी हमको बाहर से मंगवाना पड़ता है, USA कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक, वहां से मंगवाते हैं, क्योंकि जेट इंजन अभी तक हम बहुत अच्छे से नहीं सीख पाए कैसे बनता है। उस पर काम हम कर रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्दी हम USA या किसी या UK के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करें कि वो हमको ये टेक्नोलॉजी समझाएं कि जेट इंजन कैसे बनता है, फिर हम इंडिया में बनाना शुरू करें। ठीक है, अब आ गया तेजस मार्क टू, मतलब आप कह लो अपडेटेड वर्जन ऑफ तेजस, और ज़्यादा तेज और ज़्यादा कैपेबल। तो ये बोल रहे हैं कि कौन मैन्युफैक्चर कौन करता है, तो सिंपल आपसे पूछ रहा है कि तेजस को कौन बनाता है, चाहे पुराना चाहे नया, बनाता कौन है? BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BDL होता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कोशिश करो, कौन बनाता है इंडिया में तेजस एयरक्राफ्ट्स को, एक लौता फाइटर एयरक्राफ्ट जो हम अपनी कंट्री में खुद बनाते हैं, इसको बुलाते हैं HAL तेजस, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको बनाता है, या इसको बनाते हैं LCA तेजस। LCA इसलिए बुलाते हैं क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट साइज में थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो HAL इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में, बनाया गया था 1963 में। और तेजस मार्क टू आप देख सकते हो, इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है, पिछले वाले से और ज्यादा कैपेबल और ज्यादा स्ट्रांग। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इनमें से वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर इसरो सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, उस सेंटर का नाम रखा गया? APJ अब्दुल कलाम जी, विक्रम साराभाई जी, होमी जहांगीर बाबा जी या सतीश धवन जी? तो पूछ रहे हैं कि दिए गए ऑप्शन में से किनके नाम पर इसरो सेंटर जो आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा उसका नाम रखा गया? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, सतीश धवन। अगर आप लोग
ये रीसेंट जो एक सीरीज आई थी ना रॉकेट बॉयज, उसके बारे में देखो, तो उसमें आपको विक्रम सारा भाई जी, होमी जहांगीर बाबा जी, सतीश धवन जी, उनके बारे में जानने को बहुत मिलेगा। उसके दो सीज़न आए थे, सीज़न वन सीज़न टू, अच्छी सीरीज़ है। आप अच्छे से एग्ज़ाम दे दोगे ना अपना, एग्ज़ाम वगैरह का सारा जब टेंशन ख़त्म हो जाएगी तब उस सीरीज़ को देखना, कभी अच्छी सीरीज़ है। दोनों उसके सीज़न अच्छे हैं कि कैसे इंडिया ने इसरो बनाया, कैसे हम इतने कैपेबल हुए कि हम रॉकेट्स बनाना शुरू कर पाए। ठीक है, अच्छी सीरीज़, आगे चलते हैं। रिसेंटली वो कौन सी कंपनी है जिसने टेस्ट फायर किया एक एडवांस फुली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, स्पेस में यूज होता है क्रायोजेनिक इंजन, तो उस कंपनी का नाम बताओ जिसने फुली 3D प्रिंटेड, पूरा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन रिसेंटली उन्होंने टेस्ट फायर करके देखा। तो विच कंपनी रिसेंटली टेस्ट फायर्ड एडवांस फुली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन? क्या स्काईरूट एरोस्पेस नाम से एक कंपनी ने ऐसा किया, इसरो ने किया, स्पेसएक्स ने किया, ब्लू रिजन ने किया? देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो किसी इंडियन कंपनी ने किया होगा, इंडियन तो दो ही हैं, इसरो और स्काईरूट, उसमें से भी ये चीज़ करी है स्काईरूट ने। आपको पता होगा स्काईरूट वो प्राइवेट कंपनी है जिसने पहली बार इंडिया में एक प्राइवेट स्पेस लॉन्च किया। अभी तक इन्होंने ऐसे सैटेलाइट्स वगैरह तो नहीं भेजी है, पर इन्होंने रॉकेट को टेस्ट किया। तो स्काईरूट बहुत जल्दी इंडिया में इतना कैपेबल हो पाएगा कि वो स्पेस मिशंस करने शुरू कर दे, ये स्काईरूट बहुत जल्दी कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मल्टीपल एग्जाम्स में क्वेश्चन आया, नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्टिक वुल्फ, इसको चाइनीज साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है। ये जो है ना, ये एक नेचुरल तरीके से आप कह लो कि रिप्रोड्यूस नहीं हुआ, ये एक क्लोन तरीके से प्रोड्यूस्ड वुल्फ है। इसका नाम क्या है, माया जया रानी या सोफिया? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड, मतलब ये जो आर्टिक वुल्फ इन्होंने बनाया ना, इसका जो DNA इन्होंने लिया है वो एक ऐसे जानवर से लिया जिस जो बहुत टाइम पहले मर चुका था, उसके DNA में थोड़े चेंजेस भी किए गए। ठीक है, तो ये जो चीज़ इन्होंने बनाई है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका नाम इन्होंने रखा था माया। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो साइंटिस्ट इन चाइना, उन्होंने सक्सेसफुली क्रिएट किया दुनिया का पहला क्लोन्ड आर्टिक वुल्फ, तो बायोटेक्नोलॉजी को यहां पर यूज किया गया। ठीक है, ठीक है, आई होप और तो ऐसा कुछ नहीं अलग से जो हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इजी क्वेश्चन, इसरो के पास बेसिकली तीन तरह के रॉकेट्स हैं। जो सबसे छोटा है वो है SSLV, उससे बड़ा है PSLV, उससे बड़ा है GSLV। SSLV होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV क्या होता है वो आपसे पूछ रहे हैं। इजी सा क्वेश्चन, अटेम्प्ट कर दो। तो सबसे भारी भरकम रॉकेट जो है, लॉन्च व्हीकल जो है इसरो का, जो बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स को स्पेस तक लेके जा सकता है, वो है असल में GSLV। उसकी फुल फॉर्म बताओ, कोशिश करो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग भी सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो GSLV सबसे छोटा SSLV, फिर PSLV, फिर GSLV। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे पावरफुल, तो जैसे SSLV है वो थोड़ा साइज में छोटा है, अभी सबसे लेटेस्ट है SSLV, फिर PSLV और सबसे पावरफुल है GSLV। ठीक है, जैसे भी हम लोग जल्दी Chandrayaan-3 लॉन्च करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली Chandrayaan-3 GSLV से ही लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन रिसेंटली कंडक्ट किया। किया क्या गया, आप ये देख रहे हो, कल को इस चीज को एक बड़े रॉकेट के साथ लगाया जाएगा, ये उस रॉकेट को पुश देगा, जब ये हवा में पहुंच जाएगा उसके बाद ये चीज वापस से लैंड करेगी। अब तक ऐसा नहीं होता ना, अब तक हम जो भी सैटेलाइट्स के लिए रॉकेट वगैरह भेजते थे वो ओशन में गिर जाते थे, ये वापस से लैंड करेगी, हम इसको रिफ्यूल करेंगे, फिर से टेक ऑफ कर पाएगी, ये फायदा होगा। तो पूछ रहे हैं कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन, इसके लिए रिसेंटली इसरो ने किन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद दी? DRDO, इंडियन एयरफोर्स, DRDO BEL, DRDO HAL, DRDO BAC। तो DRDO तो पक्का है, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन थी इसरो DRDO के अलावा? तो बिल्कुल सही, थर्ड थी इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि अभी के लिए पता है क्या किया गया, मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने क्या किया।
अभी के लिए इन्होंने एक हेलीकॉप्टर लिया और उस हेलीकॉप्टर से इस चीज़ को ऐसे हवा में उड़ा दिया और वहाँ से बस रिलीज कर दिया। अभी के लिए इन्होंने इसको फायर नहीं किया, बस रिलीज कर दिया हवा में, बाकी इसकी लैंडिंग चेक कर ली गई। ठीक है, देख सकते हो आप किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं जैसे यूएसए में वो स्पेस शटल बनाते थे, ये वैसा ही डिज़ाइन है। यूएसए का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था उसको तो कैंसिल करना पड़ गया था क्योंकि ये दो बार लगातार बहुत बुरी तरह से फेल हो गया था, पर इसरो सक्सेसफुल है कि हम अपना वाला जो मिशन है ऐसा कुछ दिखेगा हमारा मिशन कि पहले तो एक बड़े सारे रॉकेट के साथ लॉन्च हुआ, जब रॉकेट एक हवा में एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुँच गया ये अलग हो जाएगा और एक एयरक्राफ्ट की तरह वापस से लैंड कर जाएगा ताकि हम इसको रीयूज कर पाए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स का जो शिनूक हेलीकॉप्टर है वो 4.5 किलोमीटर की हाइट तक इसको लेके गया और वहां से इसको रिलीज कर दिया। यहां ना स्टूडेंट्स एक चीज में लिखना भूल गया, ये ना अर्टमीज मिशन की बात करें, अर्टमीज तो इतने सालों के बाद वापस से ह्यूमंस मून के सरफेस पे जा रहे हैं, ये एक अमेरिकन मिशन है, नासा का मिशन है, नासा फिर से और फर्स्ट फीमेल को नासा मून पे भेजेगा अर्टमीज मिशन के अंदर और फर्स्ट पर्सन विद कलर मतलब एक ब्लैक को भी वो भेजने वाले हैं मून के सरफेस पे। आपसे पूछ रहे हैं कि वो रॉकेट जो लेकर जाएगा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में उसका नाम क्या होगा, सैटर्न 5, डेल्टा 4, फाल्कन हैवी या SLS। अच्छा क्वेश्चन है, तो अर्टमीज मिशन जिसमें नासा फिर से अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून के सरफेस पे भेज रहा है, उस मिशन में पूछ रहे हैं कि कौन सा रॉकेट यूज किया जाएगा, सैटर्न 5, डेल्टा 4, फाल्कन हैवी या SLS। तो इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल जो सही आंसर है वो है असल में SLS। तो SLS है स्पेस लॉन्च सिस्टम, SLS। तो अर्टमीज प्रोग्राम, तो फिर से मून को एक्सप्लोर किया जाएगा, नासा का मिशन है, नासा के साथ ESA और जाक्सा जो जापान की एजेंसी और CSA कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी इन्वॉल्व है। तो अपोलो 17 मिशन जो 1972 में रखा गया था उसके बाद पहली बार मून के सरफेस पे फिर से ट्राई किया जाएगा मिशंस को भेजना। तो अपोलो जो सीरीज थी उसमें अपोलो 11 वो था जिसमें नील आर्मस्ट्रांग स्पेस पे पहुंच मतलब मून के सरफेस पे पहुंच गए थे, तो अपोलो सीरीज बंद करने के बाद पहली बार ये लोग फिर से ट्राई करेंगे मून के सरफेस पे पहुंचना। ठीक है, आगे चलते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि वो कौन सा अपोलो था जिसमें प्रॉब्लम आ गई थी, लग रहा था कि सारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में मर जाएंगे पर वो वापस किसी तरह से प्लैनेट अर्थ तक पहुंचे, वो अपोलो का नंबर कौन सा था? उस पर मूवीज भी बनी थी बाद में जाके, टॉम हैंक्स की बहुत फेमस मूवी है, वो कोशिश कर रहे थे मून के सरफेस पे जाना, बिल्कुल अपोलो 13, पर वो जा नहीं पाए और इतनी प्रॉब्लम आ गई कि लग नहीं रहा था वो वापस आ पाएंगे, लग रहा था वो स्पेस में मर जाएंगे पर वो वापस आए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम अभी बात कर रहे थे एथेनॉल के बारे में जिससे हम पेट्रोल ब्लेंडिंग करते हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट पता नहीं है। पहली कह रही है एथेनॉल को नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है शुगर को फर्मेंट करके बाय यीस्ट, ठीक है, या फिर एक पेट्रोकेमिकल प्रोसेस भी है इसको बनाने का, ठीक है, उसमें इथाइल हाइड्रेशन करनी होती। तो ये बोल रहे हैं दो तरीके से हम लोग एथेनॉल बना सकते हैं, या तो शुगर को फर्मेंट कर दो या पेट्रोकेमिकल प्रोसेस से बना लो। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ऐसा पेट्रोल जिसमें एथेनॉल की मिलावट है, अगर आप उसको यूज करोगे तो उससे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, हार्बन हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये पोल्यूशन पूरा बंद हो जाएगा, ये पोल्यूशन होगा ही नहीं। आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, दो ऑप्शन दिए गए आपको, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। आप इसके लिए स्टूडेंट्स आराम से टाइम लो, एक बार पढ़ो, अगर आप पूरे फोकस से पढ़ोगे तो आपको आंसर आएगा, पक्का आएगा, पूरे फोकस से पढ़ो। और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले भी क्वेश्चन देखा हुआ, हमने किया है इस क्वेश्चन को, तो अगर याद है आपको कि क्या आंसर आया था तब तो वो बता दो। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, एक दो लोगों ने सही किया भी, ऑप्शन नंबर है, ये तो सही है कि दो तरीके से बनता है, या तो शुगर को फर्मेंट कर दो या एक पेट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, इथाइल हाइड्रेशन यूज करनी होती है। ये गलत है क्योंकि ये बोल रहा है
कि अगर आप पेट्रोल में एथेनॉल मिलाओगे तो उससे पोल्यूशन पूरा बंद हो जाएगा, पूरा थोड़ा ना बंद होगा, कम हो जाएगा पोल्यूशन। ये तो बोल रहे हैं कि इलिमिनेट्स एमिशन, कि पोल्यूशन पूरा इलिमिनेट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, कम होगा। ठीक है, तो ये बता रहा है दो तरीके बिल्कुल सही, और ये कह रहा है कि अगर आप यूज करोगे एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल तो डिक्रीज होगा पोल्यूशन, पूरा खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दुनिया भर में एथेनॉल को बनाया जाता है, इसका फॉर्मूला C2H6O। ठीक है, और तो नहीं मुझे लगता हमारे इतने बॉन्ड कुछ यहां पर है। ये क्वेश्चन एक और रेलवे बेस्ड क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो स्टूडेंट्स, जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा के बालासोर में, आज सुबह वहां पर मतलब जो ट्रैक है वो रिस्टोर कर लिया गया था, कल शाम तक ट्रैक रिस्टोर हो गया, और आज सुबह उस ट्रैक से वंदे भारत एक्सप्रेस को भी निकाला गया, बहुत स्लोली निकाला गया, पर वहां से वंदे भारत ट्रेन को भी निकाला गया। एक चीज़ है कि चलो ट्रैक रिस्टोर हो चुका है, अब वापस से जो ट्रेन है वहाँ पर चल सकती है, पर अभी भी पूरा समझना किसकी गलती थी, और अब तो रेलवेज ने CBI इंक्वायरी भी उसके लिए भी डिमांड किया, तो अब देखना होगा कि क्या निकलता है CBI इंक्वायरी में। क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज नई टाइप ऑफ हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत, जिनको वंदे भारत 2 बोला जाएगा, तो वंदे भारत का नेक्स्ट वर्जन आ रहा है वंदे भारत 2। अब देखना पड़ेगा कि क्या अब इसको लॉन्च किया जाएगा इस एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि इसकी स्पीड और ज़्यादा होगी। तो इन ट्रेन्स को लॉन्च करना चाहती है इंडियन रेलवेज, इनकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 160, 180, 200, 250। मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो एक्सीडेंट हुआ उसमें ट्रेन की स्पीड थी 115 से 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इतनी अलाउड स्पीड थी, इतनी स्पीड पर चल रही थी अभी वाली जो ट्रेन थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन में भी, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस 2 की। कहाँ पर बनती है, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, पर अब और जगह भी बननी शुरू होगी, शुरू ICF से हुई थी, सबसे पहले ICF चेन्नई में बना करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक रेलवे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। आपको पता है कि हम लोग अपनी कंट्री में कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे का जो ट्रैक है उसको इलेक्ट्रीफाई करना, मतलब जहां से ट्रेन निकलती है उसके ऊपर एक ओवरहेड वायर होनी चाहिए। यह आप देख सकते हो ओवरहेड वायर लगी हुई है, ये जो वायर है ट्रेन अपने आप को इस वायर से जोड़ लेती है वाया पेंटोग्राफ, ये डिवाइस को पेंटोग्राफ बोलते हैं। अब क्या है, अब इस ट्रेन को ऊपर से बिजली मिल रही है तो इस ट्रेन को अलग से डीजल बर्न करने की जरूरत नहीं, ये जो ट्रेन है ये प्योर इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ऊपर से पावर लेके ट्रेन रन कर जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इंडिया में वो कौन सी स्टेट है जो बन गई है फर्स्ट स्टेट जिसने 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क बना दिया, मतलब इस स्टेट में जहां जहां रेलवे की लाइन है उसके ऊपर से ओवरहेड वायर जा रही है ताकि ट्रेन उस वायर से बिजली यूज कर पाए, उसको डीजल वगैरह बर्न ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स 100% इस चीज का काम पूरा हो गया इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया। तो हरियाणा बिकम्स फर्स्ट स्टेट इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क, बिल्कुल सही, हरियाणा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, अगर आपको याद हो, ज्यादा पुराना नहीं है, कुछ ही टाइम पहले हमने क्वेश्चंस किया था। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि जो एनर्जी का सेक्टर ना, जहां हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाते हैं, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस इंडिया में, कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का पोल्यूशन होता है सबसे ज्यादा तो CO2 ही तंग करती है। तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस तब निकलती है जब हम एनर्जी सेक्टर पे ध्यान देते हैं, ठीक है, मतलब बिजली वगैरह बनाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये ज्यादा प्लैनेट अर्थ को गर्म कर सकते। देखो जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करते हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, प्लैनेट अर्थ ज़्यादा गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड में ज़्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये देख लेते हैं। थर्ड है कि इंडिया सेकेंड हाइएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है चाइना के बाद, कि चाइना सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन करता है, हम दूसरे नंबर पर। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, काफ़ी सारे लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, हम सेकेंड नहीं है, हम थर्ड है, पहले भी चाइना, फिर USA, फिर इंडिया, और एनर्जी सेक्टर की वजह से ही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अगर हम शिफ्ट कर जाएं सोलर विंड वगैरह पे और
कोल पावर प्लांट ये सब बंद कर दे तो बहुत फायदा होगा। और ये बिल्कुल सही बात है, नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, पर हमको इसकी इतनी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो इंडिया इज द थर्ड हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर बिहाइंड चाइना एंड यूएस, सेकेंड नियम थर्ड है, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर है। बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल। स्टील मैन ऑफ इंडिया, रिसेंटली उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 86, तो थोड़ा सा टाइम कम है तो जल्दी जल्दी करते हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया पास्ड अवे रिसेंटली, टाटा मेन हॉस्पिटल इन जमशेदपुर। इन्होंने स्टूडेंट्स टाटा स्टील में बहुत लंबे टाइम तक काम किया, इंडिया के जो स्टील सेक्टर उसको स्ट्रॉन्ग करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। स्टील मैन ऑफ इंडिया, क्या नाम है इनका? तो जमशेद जी ईरानी, जमशेद जी ईरानी द स्टील मैन ऑफ इंडिया पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बने टाटा स्टील के 1988 में और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए 1992 में, ठीक है। तो बहुत बड़ा इनका रोल रहा, इन्होंने स्टील सेक्टर में काफ़ी काम किया, टाटा स्टील में बहुत इनका बड़ा रोल था, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनवायरमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट जो है अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में टाइम लगेगा केस को सॉल्व होने में, तब तक तो एनवायरनमेंट डैमेज हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट रिलेटेड केस कोर्ट में नहीं जाते, वो आते हैं इस ट्राइब्यूनल के पास, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड केस है वो जल्दी सॉल्व हो सके, उसमें जल्दी सोल्यूशन निकले, इसलिए वो एनजीटी देखता है। और एनजीटी वेरियस स्टेट्स को फाइन वगैरह भी लगाता है अगर वो ठीक से काम ना करें, एनवायरनमेंट को डैमेज करें। ये बोले एनजीटी के हेडक्वार्टर्स मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर या न्यू दिल्ली। आपको पता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स नेशनल कैपिटल में होते हैं। न्यू दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर है। एनजीटी को बनाया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर, तो क्योंकि ये एक एक्ट के थ्रू बना था तो ये बन जाती है एक स्टैचुरी बॉडी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए बना के लाया था, मैंने कवर किए। कल की क्लास, अब नहीं सॉरी कल थोड़ी ना होगी, अब क्लास होगी फ्राइडे को, तो फ्राइडे को, संडे को, मंडे को, तीन दिन क्लास होती है। तो ये जो तीन दिन थे, मतलब फ्राइडे, फिर कल संडे और आज मंडे, हमने रिवीजन करी। अब अगले तीन क्लासेस, मतलब जब तक आपका एग्जाम होगा सिर्फ रिवीजन ही होगी। फ्राइडे को स्टूडेंट्स हम मोस्ट प्रॉब्ली करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की रिवीजन होगी फ्राइडे को, क्योंकि स्टूडेंट्स अब आपके पास दो तीन दिन है जब हम क्लास नहीं होगी। तो अगर कोई पुरानी पेंडिंग आपकी क्लासेस बची हैं, क्योंकि हम सेट 1 से लेकर सेट 36 तक पहुँच गए, प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग वो क्लासेस को ज़रूर देख लेना। आपको रेगुलेटरी बॉडीज़, अभी पीडिया रेगुलेटरी बॉडीज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो नीचे जाओगे तो आपको पूरी करंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेट 1 से लेकर सेट 36 तक। तो आप जो भी पुरानी पेंडिंग है वो ज़रूर ख़त्म कर लेना, और पीडीएफ्स में अपलोड कर लूँगा, आपको आज दोपहर तक पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी फ्राइडे की क्लास में, तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।